इस जुल्मी सरकार ने बहुत अत्याचार किए सैनिकों के ऊपर। भूल जाए कितना भी खून बहाना पड़े, हमारे दृष्ट ध्वज तिरंगा था, तिरंगा है और तिरंगा रहेगा। कोई भी कलर उसके जगह नहीं ले सकता। और जो ये सोच रहे हैं आरएसएस के लोग कि हम देश पे कब्जा कर लेंगे, देश को अपने काबू में कर लेंगे, तो हम इस बयान को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। और इनके मंत्री साफ साफ बोल चुके हैं, जो अग्निवीर आएंगे वो बीजेपी ऑफिस के आगे ड्यूटी करेंगे, गार्ड की ड्यूटी करेंगे। ये इस देश का भला नहीं चाहते जो आज कुर्सी पे बैठे हैं। अगर इस देश की फौजें कमजोर हो जाती हैं, तो देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। जो 2015 से लेके आज तक लगातार वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन को जीवित रखा है। आज नहीं तो कल हमें वन रैंक वन पेंशन जरूर मिलेगा। मोदी सरकार जितना भी जोर लगा ले, सैनिक हार मानने वाला नहीं है। ये वो सैनिक है जो निस्वार्थ भाव से बॉर्डर पे गोलियां खाने को सीना तान के खड़े रहते हैं। और ये घटिया सरकार ने, जुल्मी सरकार ने 2015 से इन अपने देश के गौरव, जो देश का मान है, देश का गौरव है, इनको अपने असली हक के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए सड़कों पे बैठने पे मजबूर कर रखा है। और इतना ही नहीं, इस जुल्मी सरकार ने बहुत अत्याचार किए सैनिकों के ऊपर। 3 बार जंतर मंतर पे लाठियां बरसाई है सैनिकों के ऊपर। हमारे जनरल की पगड़ी को पुलिस वालों ने पकड़ के धक्के मारे, हमारी विधवा बहनों को घसीटा गया। हम वो चीज कभी भूल नहीं सकते। जब तक जिंदा रहेंगे, जो इस सरकार ने हमें घाव दिए हैं, जो हमारी विधवा बहनों को धक्के मारे, उनको घसीटा गया, थाने में रखा, कभी मंदिर मार थाने में तो कभी पार्लियामेंट थाने में, उस चीज को हम आखिरी सांस तक याद रखेंगे। लेकिन मोदी सरकार याद रहे, कुर्सी हमेशा आपको मिलने वाली नहीं है। आप ये ना सोचे आज आप बादशाह बन के बैठे हुए हैं तो जब तक आप जिंदा रहेंगे ये कुर्सी आपकी रहेगी। आज नहीं तो कल कुर्सी से आपको नीचे उतरना होगा। और सैनिकों को हक आपको नहीं तो दूसरी सरकारों में देना होगा, क्योंकि सैनिक हार मानने वाला नहीं है। इतने हक सामना किया सरकारों का, अत्याचारों का सामना किया, भूख हड़ताल पे हमारे भाई बहन बैठे, अपनी जान को दांव पे लगाया, लेकिन अपने असली हक के लिए इन्होंने सरकार की हर जगह ठोकरे खाने को मजबूर कर रखा है सरकार ने। हमारे रिजर्विस्ट सैनिक है, जो आपको बताना चाहूंगी, जो हमारे सिविल के भाई यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, जो हमारे रिजर्विस्ट सैनिक हैं, जिन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी और 71 की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज की तारीख में उनको सिर्फ 9,810 रुपए पेंशन मिल रही है। 9,810 रुपए में क्या एक देश का सैनिक गुजारा कर सकता है? मैं मास्टर, हमारे जो राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति बनी है, उनसे अनुरोध करती हूँ, क्योंकि हम 2015 से सभी राष्ट्रपतियों से अनुरोध कर चुके, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, तो मैं अपील करती हूँ कि वो एक महिला होने के नाते शायद हमारी अपील उनके दिलों तक पहुँचे, उनके कानों तक पहुँचे, कि आप तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं, तो आपके अपने जो सैनिक हैं, जो उनको कम से कम उनका हक दें, जो रिजर्विस्ट सैनिक हैं, उनको कम से कम एक सिपाही रैंक के बराबर पेंशन दी जानी चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। सरकार ने जो जुल्म किए वो हमें हमेशा याद रहेंगे, लेकिन अभी एक चिंता की बात ये है, जो सैनिक है ये तो लड़ी रहे हैं वन रैंक वन पेंशन के लिए, लेकिन मोदी सरकार जो अग्निपथ योजना लाई है उसमें साफ साफ बता दिया है कि 9 रैंक 9 पेंशन। वो हमारी भारतीय फौजों को खत्म करना चाहती है। अगर ये वन ये जो अग्निपथ योजना लागू हो गई, तो धीरे धीरे करके आने वाले समय में हमारी भारतीय फौजों की संख्या 3 लाख रह जाएगी आने वाले 10-15 सालों में, क्योंकि ये जानबूझ के फौजों को कमजोर करना चाहते हैं। ये इस देश का भला नहीं चाहते जो आज कुर्सी पे बैठे हैं।
हैं। अगर जिस देश की फौजें कमजोर हो जाती हैं, वो देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी बेहतरीन फौजें हैं, अगर उनको युवा फौज चाहिए तो उसी में सुधार करना था उनको। अगर हमारा सुबेदार 30-33 साल में रिटायर होता है तो उसको 25 साल में रिटायर कर देते, हमारा हवलदार 24 साल में रिटायर होता उसको 20 में रिटायर कर देते, उसी में संशोधन कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने अग्निवीर बनाना चाहते हैं। अरे इनके मंत्री साफ साफ बोल चुके हैं, जो अग्निवीर आएंगे वो बीजेपी ऑफिस के आगे ड्यूटी करेंगे, गार्ड की ड्यूटी करेंगे। इन घटिया लोगों की सोच सारा देशवासी सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन उसके बाद भी चुप है। इनकी सोच देखिए, ये एक तरफ तो सैनिकों के नाम पे वोट मांगते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, और इनकी सोच, इनकी दिल की आवाज कहते हैं कि जो अग्निवीर आएंगे उनको हम बीजेपी ऑफिस के बाहर गार्ड की नौकरी देंगे। ऐसी घटिया सोच के लोग कभी देश का भला सोच सकते हैं? ये सबसे बड़े गद्दार हैं जो आज देश की कुर्सी में बैठे हैं, सबसे बड़े देश के गद्दार हैं। और ढोंग करते हैं ये तिरंगा हाथ में लेके, हम सबसे बड़े देश राष्ट्र हित की बात करते हैं। जिन्होंने नागपुर में 50 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, और इनका जो मोहन भागवत वो एक दिन कहते हैं अगर तिरंगा तो राष्ट्र हमारा, जो इनका आरएसएस का झंडा है भगवा झंडा, कहते हैं कि उसको हम तिरंगा बनाना चाहते हैं, राष्ट्र ध्वज बनाना चाहते हैं। भूल जाए कितना भी खून बहाना पड़े, हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा था, तिरंगा है और तिरंगा रहेगा, कोई भी कलर उसके जगह नहीं ले सकता। और जो ये सोच रहे हैं आरएसएस के लोग कि हम देश पे कब्जा कर लेंगे, देश को अपने काबू में कर लेंगे, तो हम इस बयप को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। और वन रैंक वन पेंशन हमारे सैनिकों का हक है, आज नहीं तो कल हुआ हमें जरूर मिलेगा। और जब तक हमारी सांस में सांस है हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जवान, जय जवान। याद रहे सरकारों को, फौज है तो देश है, और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं।